नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, और इंग्लिश लैंग्वेज में टॉपिक है हमारा बिल्कुल जो बेसिक टॉपिक होता है जो बचपन से आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो है टेंस, यानी काल, कालों का काल, महाकाल को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और आज के इस लाइव सेशन को बेहतर बनाने के लिए और खुशनुमा बनाने के लिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चले दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, चूँकि पहले से हमारी कुछ पल ऑलरेडी हमारे रीजनिंग वाले सर गोल्डी सर ले चुके हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि एक मिनट भी आप लोगों की बर्बाद हो। बहुत बढ़िया, कांसा देवी जी हमसे जुड़ चुके हैं, सुमन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं टेंस को लेकर। किसको लेकर भाई? टेंस को लेकर। और आज हम बात जो करेंगे ना, वो दो टेंस होंगे, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ओहो, यहां से यहां कन्वर्ट करना है। चलिए देखिए, आपका पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले सभी वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। देखिए, प्रेजेंट का मतलब कोई भी वाक्य है जो इसके अंतर्गत आने वाला है, यानी आज जिन सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाला हूं, जिन टेंसेस के बारे में बात करने वाला हूं, वो सभी किस में आएंगे? प्रेजेंट में आएंगे, यानी वर्तमान काल के अंतर्गत वो सभी वाक्य या वो सभी काम होंगे। दूसरा आ रहा है परफेक्ट। क्या आ रहा है? परफेक्ट। सपोज दैट आपके मित्र ने, आपकी सहेली ने, आपकी सखी सहेली ने कोई काम किया, आपकी मम्मा ने कोई काम किया, आपके ब्रदर ने, आपकी सिस्टर ने कोई काम किया, और आपने काम को देखते ही कह दिया, वाह क्या बात है, गजब, परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा, उसमें कोई कमी ना हो, पूरा मतलब कंप्लीट हो जाना। तो इसका मतलब क्या है भाई? परफेक्ट से यहां क्या मीन्स निकालोगे आप? परफेक्ट का मीन्स होता है कंप्लीट, यानी इसमें कार्य क्या गया होगा दोस्तों? कार्य पूरा हो चुका होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि कार्य अधूरा है, ठीक है। टेंस का मतलब वही होता है काल, और काल का मतलब होता है कालों का काल, मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, यानी समय, ठीक है। चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, और हम बताएंगे आगे इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और कैसे इसको पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात, इसका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान। इसकी पहचान कैसे होगी सर जी? इसकी पहचान करनी बता दीजिएगा, क्योंकि हमें ना क्या होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं, और जब पैसिव से एक्टिव बना रहे होते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये होती है कि हम टेंस को नहीं पहचान पाते। और अगर हम वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द टेंस, सो वी आर नॉट एबल टू मेक अ पैसिव और एक्टिव और इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एटसेट्रा, जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो आप लोग योग्य नहीं बन पाएंगे अगर आप टेंस और सेंटेंसेस को नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि टेंस को कैसे पहचाना जाए। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपके सामने आता है तो उसको कैसे पहचान करेंगे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मैंने आपको बताया कि हम ना पहचानने के हमारे बहुत सारे तरीके रहे हैं, उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण तरीके हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी देखिएगा, सपोज दैट मैंने बताया तीन तरीके हैं पहचानने के। एक तो आपका स्ट्रक्चर होगा, कितने तरीके भाई? तीन तरीके कौन से? एक तो आपका तरीका होता है स्ट्रक्चर का, द फर्स्ट टेक्निक इज स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी होती है कुछ ऐसी एडवर्ब, और तीसरी होती है सेंस, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर। तो भैया, स्ट्रक्चर क्या बताता है, एडवर्ब क्या बताती है, और सेंस क्या बताता है? स्ट्रक्चर ये कहता है कि यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आपको कोई दिख रहा है, यदि कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिख रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैज होगी, और दूसरी क्या होगी? हैव होगी। यानी हैज और हैव आपकी होगी, और उसके साथ कौन सी फॉर्म होगी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, कि यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव होनी चाहिए, और उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर हैज हैव आ रहा है और उसके बावजूद उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, तो भी आपका सेंटेंस कौन सा नहीं होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशन सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन दुबे जी हैं, तृप्ति गौर जी हैं, सुमन दुबे, तृप्ति गौर, नामेश जी हैं, अंजलि वर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू नित्या क्लासेज अगेन। अगर हम एडवर्ब की बात करें, जी सर बिल्कुल बताइए। ओके सर, ओके।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ चले भाई, अपना देखो दूसरा तरीका क्या है, इसको तो मैं यहाँ कर देता हूँ। दूसरा तरीका आप लोग समझिए बड़े प्यार से। हाँ भाई, तो यहाँ को आ जा, थोड़ा सा छोटा हो जा। हाँ भाई, अब ठीक है। तो एडवर्ब कौन कौन सी होंगी? एडवर्ब भी हमारे दो प्रकार की होंगी, यानी अगर एडवर्ब के माध्यम से, एडवर्ब के थ्रू अगर आप प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को पहचानना चाहते हैं तो आप लोगों को दो तरीके का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो नेगेटिव वाली, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी पॉजिटिव। यदि कहीं पर आ रहा है येट, ठीक है, अगर कहीं पर आ रहा है जस्ट, आ रहा है ऑलरेडी, आ रहा है रिसेंटली, आ रहा है ऑफ लेट, आ रहा है लेटली, एटसेट्रा। बात समझ पा रहे हो? अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत, अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत आता है जस्ट, तो भी सेंटेंस आपका परफेक्ट का होगा। उसके साथ अगर हैड आता है तो पास्ट परफेक्ट का होगा, अगर हैज और हैव आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, ठीक है। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, कोई काम पहले ही हो चुका होता है। और अगर पहले ही हो चुका है, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल जुड़े रहिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें ना इधर इधर आ जाओ, अब येट से अलग इसमें टिल आ सकता है, इसमें टिल आ सकता है, और सो फॉर आ जा, सो फॉर एज इसमें आ सकता है, और इसमें अगर एक चीज और जोड़ना चाहूँ तो मैं इसमें बाय द टाइम हो सकता है, बाय द टाइम, उस समय तक, ठीक है, एटसेट्रा। तो अगर आपको ये शब्द कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आप लोग बिना सोचे समझे ज़्यादा तर्क लगाए ये कह देना कि सर जी ये टेंस होगा, वो परफेक्ट का होगा। किसका होगा? परफेक्ट का होगा। अब बात आते हैं सेंस के, सेंस के आधार पे, सेंस के आधार का मतलब ये वर्क कंप्लीट। सेंस में आपको मिलेगा कि कार्य क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। कार्य क्या हो चुका है दोस्तों? इसमें पूरा हो चुका होगा, यानी ये आपका सेंस बताएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। क्लियर है सभी का? चले चले चले, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को पूरा नहीं बताया तो स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हमें ना इंग्लिश में ही लिखा आएगा, हिंदी में कोई लिखा नहीं आएगा हमारे सामने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, सेंटेंस आपका कैसा है? अफर्मेटिव है। सेंटेंस अगर है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, भैया अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहा जाएगा? यानी सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य भाई? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा वो होगा ना, एक तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से कोई एक होगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें तो कहीं भी कुछ नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं आया। तो सब्जेक्ट इसमें एक एक शब्द अवश्य होगा लगा हुआ, ऑलरेडी। क्या लगा होगा? ऑलरेडी लगा होगा। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से पहचानने का प्रयास करते हैं। चलिए एक सेंटेंस कोई सभी, तो आई हैव देखो, आई हैव कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड मतलब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये क्या आया आपका? हैव आ गया। और मैंने आपको बताया कि अगर हैव के साथ
अगर हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस कैसा होगा आपका? सेंटेंस होगा भैया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑलरेडी। या इसको एक तरीके से वर्ड लिख सकते हैं, एक बात दू, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क। तो यहां हमारी पहचान क्या हुई? पहचान हुई कि हैव के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई भाई, हैव के साथ या हैज के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब देखें हम, जैसे दूसरा वाला ये आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, हिंदी में बात करें तो नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य कैसे होंगे भाई? इसमें एक तो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा कंपलसरी, हैज और हैव आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद नोट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एंड देन मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको थर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी। प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें या तो आपको ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा या बाय द टाइम, बाय द टाइम, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा सी हैज नॉट, सी हैज नॉट, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क टिल नाउ। आ गया भाई? तो भैया यहां मैंने एक चीज क्या समझा रहा हूं आपको कि कैसे पहचान करें, एक तो यहां आ गया हैज, और हैव के साथ क्या रही है मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, कंप्लीट होता है फर्स्ट फॉर्म और कंप्लीटेड होता है थर्ड फॉर्म। तो सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क, और मैंने बताया टिल जहां के आएगा नेगेटिव सेंस को दर्शाएगा, टिल नेगेटिव वर्ड में ही आता है, टिल किस में आता है नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा भैया? प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब एरर और कहां से पूछी जाती है, इसको तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। देखो सर, अब एक बात आपको होता है, एक आता है बाई, बाई के बाद भी कुछ टेंस दिया होगा और बाई के पहले भी कुछ सेंटेंस दिया होगा। देखिए बाई के बाद अगर सेंटेंस आता है फ्यूचर या प्रेजेंट आता है, बात समझ रहे हो? यानी अगर दो सेंटेंस बाई से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं भाई? दो सेंटेंस अगर जुड़ रहे हैं बाई से, और बाई के बाद वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट फ्यूचर में हो और या वो प्रेजेंट में हो, तो ये वाला सेंटेंस पता हमेशा ही, ये हमेशा ही किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ये आप बात बिल्कुल ध्यान से याद करके लिख लें, जिससे कि आप बिल्कुल भी भूले ना। ठीक है, ये अब कैसे सेंटेंस, एक बात और यहां लिख लो, बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है भाई? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। इसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वाले का जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंट है, आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा केवल। यहां अगर ये होगा पास्ट में तो ये किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यानी एक चीज हमारे समझ में आ रही है सर जी, कि जहां कहीं भी सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हो,
जहां कहीं भी सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हो, अगर बाद वाला पास्ट में है तो उससे पहले वाला क्या होएगा? परफेक्ट में। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या वास्तव में ये चीजें फॉलो हो पा रही हैं। देखिए, आई कंप्लीटेड योर वर्क, आई कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर यू कैन, बताओ इस सेंटेंस में गलती बताओ। अगर मैंने ये कह दिया ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया और नो एरर वाला भैया डी पार्ट हो गया, तो बताओ इसमें से कौन सा पार्ट गलत है? बताओ जल्दी, जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे सेंटेंस को देखो और सेंटेंस में ये बताओ कि गलत क्या है। जल्दी आंसर करो भाई, बहुत तेजी के साथ। थैंक यू सो मच आयुष यादव जी कि आप लोगों को राइटिंग अच्छी लग रही है। जल्दी से आंसर करो। मैंने लिखा है आई कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर यू कैन, इसमें गलती कहां पर है? जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से आंसर करिएगा, कहां पर है इसमें गलती? कहां आपको लग रहा है कि सर इसमें यह वाला सेंटेंस गलत होगा? जल्दी से आंसर करें बहुत तेजी के साथ। फिर उसके बाद सीधा चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, बस जितने लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग आंसर जरूर करें। मैंने लिखा आई कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर यू कैम, मतलब आपके आने से पहले मैंने आपका कार्य कंप्लीट कर दिया। तो आप लोगों में से किसी का जवाब नहीं आया क्योंकि आप बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी हो, आप लोगों का जवाब नहीं बुद्धि का। मैंने अभी आपको लिखवाया कि यदि दो सेंटेंस बिफोर से जुड़ते हैं, यदि दो सेंटेंस को किससे जोड़ा जाता है? बिफोर से जोड़ा जाता है। यहाँ किससे जुड़ रहा है? बिफोर से जुड़ रहा है। तो बिफोर से बाद वाला सेंटेंस पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ये वाला सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। किस कौन सा वाला दोस्तों? ये पास्ट परफेक्ट में होगा। तो क्या लिख रहे हैं? अच्छा, आयुष यादव जी कह रही हमें तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, कोई बात नहीं इंग्लिश आ जाएगी। हमने कहा बिफोर से बाद वाला सेंटेंस, देखिए यहां है सब्जेक्ट, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। यहां कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये वाला कौन सा होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में दे दिया, कंप्लीटेड ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए था? आई हैड कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है भैया? ये आपका जो होता वो सही होता और ये आपका क्या है? गलत है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। जल्दी से फटाफट इसको, आई हैड होगा। पूनम गौतम जी, थोड़ा सा आपने सही बताया लेकिन उतना नहीं बताया जितना बताना चाहिए था। तो ये बातें कितने लोग समझ पाए भाई? कितने लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं? जल्दी से आंसर करें, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर। अब एक सेंटेंस और लिखूं, वाई सी प्रेड टू गॉड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। बताइए इस सेंटेंस को हमने कर दिया, एक ये तो हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका सी पार्ट, और मैंने लिख दिया नो एरर।
ठीक है, ये आपका होगा डी पार्ट। बताओ भी कौन सा होगा आंसर से इसमें से, इसमें कहां गलती है, गलती है तो कौन सी गलती है। सुमन दुबे जी आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, आई एम वॉचिंग योर कमेंट, डोंट वरी, जल्दी से आंसर करें। बाय सी प्रेड टू गॉड आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क नो एरर। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर तेजी के साथ। आकांक्षा देवी जी कह रही है रिपीट प्लीज, चलिए मैं रिपीट करा दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, करो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, मैं फिर रिपीट करूंगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। इस सेंटेंस में क्या गलती है सर जी, गलती बताइएगा क्या गलती है। देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब कोई सेंटेंस किससे जुड़ा हो, बाई से। अब आप लोग कहेंगे सर जुड़ तो नहीं रहा, जुड़ तो नहीं रहा, ये सेंटेंस तो मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भाई अलग नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बाय सी प्रेड टू गॉड, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते थे आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बाय सी प्रे टू गॉड। क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ये ऐसा ही तो है। अब हमें समझ में आ गया कि सर जी यहाँ अगर सेंटेंस बाई से जुड़ा है तो बाई के बाद वाला सेंटेंस आपका किस में होगा, बाई के बाद वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, या तो ये किस में होना चाहिए फ्यूचर में, और यह होना चाहिए प्रेजेंट में। मतलब अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो ये किस में होता हमारा, केवल किस में होता, फ्यूचर परफेक्ट में होता। तो भैया यहाँ तो कोई ऐसा मैटर फंस नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये किस में दे रखा, सी प्रेड टू गॉड, उसने प्रार्थना की भगवान से, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, ये तो बिल्कुल सेंटेंस आपका सही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो फ्यूचर में दिया है और ना ही प्रेजेंट में दिया है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बाय सी प्रेज टू गॉड। अब देखिए अब यहां पे क्या हो गया, अब यहां पर प्रेज आ गया, प्रेज का मतलब है, प्रेज का मतलब है कि एस ए एस जुड़ रहा है मैन वर्ब में, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। तो इससे पहला वाला सेंटेंस किस में आना चाहिए, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आई शैल हैव कंप्लीटेड, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई यहां तक सभी का क्लियर हुआ, थर्ड फॉर्म। तो मैंने बताया भी बाई वाले केस में क्या होगा, और आपका अगर बाद में उसके फ्यूचर या प्रेजेंट में दिया तब उसकी कंडीशन क्या होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं पढ़ता हूँ आगे की तरफ। चलिए ये तो कहानी थी प्रेजेंट के परफेक्ट की, ये कहानी थी प्रेजेंट परफेक्ट की। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर थ्री वाला सेंटेंस जो है आपका, टेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है भैया, ये आपका क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहां से हमें क्या समझना है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और खासियत क्या है। अंतर तो ये है कि प्रेजेंट यानी इसमें कार्य क्या हो गया होगा, कंप्लीट भी हो गया होगा, कार्य पूरा भी हो चुका होगा दूसरी बात, और चल भी रहा होगा, देखिए कंटिन्यू चल भी रहा होगा, तो कैसे संभव हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा। मतलब मैंने कहा मैं पिछले दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ,
तो जब 2 घंटे हो चुके होंगे तो यहाँ तक का तो काम होगा कंप्लीट, और इससे आगे काम अभी कंटिन्यू प्रोसेसिंग में है, ठीक है। इस तरीके से ये हम कंटिन्यू चला सकते हैं काम को। यानी इसमें एक चीज़ समझ में आती है, इसको रफ कर दूँ, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ और इसके कुछ खासियतें लिखाता हूँ मैं आपको। पहली बात, सबसे पहली खासियत, इसमें कार्य जारी रहता है, लेकिन कार्य के कार्य का स्टार्टिंग टाइम दिया होता है, कार्य का स्टार्टिंग टाइम दिया होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें कार्य जारी रहता है लेकिन कार्य स्टार्टिंग टाइम, कार्य का स्टार्टिंग जो टाइम होता है, स्टार्टिंग टाइम दिया होता है। जैसे वह सुबह से गीत गा रही है, तो हमें क्या पता चल गया, कब से भैया, सुबह से, और यहाँ रही है, यानी कहने का मतलब यह है कार्य चल भी रहा है और कार्य कब स्टार्ट हुआ हमें इस बात का भी पता चल गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए लिखवा रहा हूँ इन बातों को, जो जानते हैं कोई ये ना सोचे कि उनके लेवल का नहीं कराऊंगा, उनके लेवल का भी कराऊंगा। देखिए दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन दिया होता है, बीन दिया होता है। अब आप लोगों को यही समझाने वाली मेरी बात थी कि यहां पर ये बीन क्यों आता है, मतलब यहाँ पर हैज हैव तो आ गया कोई दिक्कत नहीं, हैज हैव तो आ गया कोई दिक्कत नहीं, अब आपको बताओ क्यों दिया होता है, मेरी बात समझो भाई, थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। हमने सेंटेंस लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बात बताओ दोस्तों, परफेक्ट को तो चाहिए थर्ड फॉर्म, परफेक्ट को कौन सी चाहिए भाई, थर्ड फॉर्म चाहिए, और कंटिन्यूस को चाहिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी। एक समस्या हमारे सामने आती है कि अगर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं तो फिर थर्ड फॉर्म किसकी बनाएंगे, और अगर हम थर्ड फॉर्म बनाएं तो आईएनजी किस में लगाएंगे। तो जो लिंग्विस्टिक्स हैं उन्होंने हमें एक सलाह दी कि भाई एक काम करो, जो बी फॉर्म है ना वो सब में छिपी होती है, जो बी फॉर्म है ना, मैंने आपको बताया था बी की कई फॉर्म होती है, बी की कई फॉर्म होती है, बी से आगे क्या बनता है, इज एम आर वाज और वर, ये तो होगी इसकी सेकंड फॉर्म, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी थर्ड फॉर्म में होती है बीन, ठीक है। जो बी सभी सेंटेंस के अंतर्गत छिपा होता है, यानी जो बी सभी सेंटेंस के अंतर्गत छिपा होता है उसको बाहर निकाल लाते हैं और कहते हैं इसकी थर्ड फॉर्म रख दो, इसकी थर्ड फॉर्म रख दो। तो हम क्या करेंगे भाई, हम जो बीन है ना थर्ड फॉर्म के तौर पे तो रखेंगे बीन को, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है, और जो भी मैन वर्ब होगी उसमें क्या जोड़ देंगे, हम आईएनजी जोड़ देंगे। बात समझ पा रहे हो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मतलब हम वो काम तो करते हैं जैसा होता है, क्या लिख रहे हैं भाई, फ्रॉम बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल पायल रानी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई थर्ड फॉर्म चाहिए किसको, परफेक्ट को, और लेकिन कंटिन्यूस कहता है कि मैं तो जिंदा नहीं रह सकता कंटिन्यू आईएनजी के बगैर, तो भाई दोनों को जिंदा रखना है क्योंकि दोनों की जरूरत है हमें, तो थर्ड फॉर्म के लिए हम बीन को बाहर ले आते हैं, बी की थर्ड फॉर्म को, जिससे कि कोई दिक्कत ना रहे, और मैन वर्ब में आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं,
जो मैं समझा रहा था यही, ठीक है। इसमें कार्य जारी रहता है लेकिन कार्य का स्टार्टिंग टाइम दिया होता है, जैसे वह सुबह से गीत गा रही है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन दिया जाता है, ठीक है, बीन दिया होता है। तो भैया इस बीन का जो सीन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब बढ़े आगे, अब देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा इसके। इसमें ना हमेशा से दो समय रहे हैं, हमारे पास दो समय रहते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, एक देखिए टाइम, इसमें टाइम जो दिया होता है ना टाइम, ये जो टाइम यानी समय दिया होता है इसमें। अब समय होते हैं दो प्रकार के, समय कितने प्रकार के होते हैं भाई, समय होगा दो प्रकार का, मैं आपने निश्चित अनिश्चित करके नहीं पढ़ाऊंगा। एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम, एक होगा टाइम एक्सप्रेशन। या कह सकते हैं टाइम पीरियड, टाइम का एक पीरियड दिया होगा यानी अवधि दी होगी, ठीक। अब पॉइंट ऑफ टाइम में और टाइम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या अंतर होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन। पॉइंट ऑफ टाइम जिस जगह जिस टाइम वो बता दिया बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम रहेगा, बिल्कुल। सपोज दैट मैंने ये एक बिंदु बना दी, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होगा लेकिन वो एक अवधि होगी, यानी ये बीच की कोई ना कोई टाइम दिया होगा। बात समझ में आ रही है, यानी ये तो बिल्कुल एक फिक्स टाइम होगा और इसमें टाइम को एक्सप्रेस किया गया होगा, बढ़ाया गया होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है पायल जी, आप लोग पढ़ी हैं तो आपको पता है। तो ये एक निश्चित समय है और ये आपका टाइम थोड़ा सा एक्सप्रेस होता है, तो इसी का जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या प्रयोग करेंगे पायल जी, जल्दी से लिखिएगा, उसको कहेंगे सिंस, उसको क्या कहेंगे फॉर, ठीक है। यहां किसका प्रयोग करेंगे हम, फॉर का प्रयोग करेंगे, और यहां किसका प्रयोग करेंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे। अब भैया पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा कौन कौन सा टाइम आता, इसको मैं भी रफ कर दूं, देखो भाई पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन सा टाइम आ सकता है, इस बात को समझे। इसमें आ सकता है सिंस 1947, मतलब हमारा जो कंट्री है वो 1947 को या 1947 ठीक है में हुआ, या सिंस छोड़ो यार, सिंस तो मैं लगाना भी ठीक नहीं समझता, हैंग हो रहा थोड़ा सा ये डिस्प्ले जो हमारी, देखो इधर, इन 1947 ठीक है, इन 1993 या मॉर्निंग इन मॉर्निंग ठीक है, इवनिंग या आफ्टरनून, इवनिंग या नून, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा ठीक है। या लास्ट वर्ड आ जाए, लास्ट नाइट, उल्टा कर दिया, NIGST लास्ट नाइट आ जाए ठीक है, लास्ट मंथ आ जाए ठीक। यानी एक चीज बताऊं इसमें हम आपको, इसमें कोई ना कोई डेट दी होगी ठीक है, इसमें कोई डे दिया होगा, इसमें कोई मंथ की बात हो रही होगी, इसमें किसी ईयर की बात हो रही होगी ठीक है, किसी मंथ की बात या पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे की बात हो रही होगी। तो ये कैसा टाइम होगा,
ये हमारा टाइम होगा पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा टाइम होगा भाई? ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसमें डेट, डे, मंथ, ईयर, पार्ट ऑफ द डे होगा। इसमें क्या होगा, जैसे 2 आवर्स, दो घंटे से, इसमें क्या होगा, इसमें एक निश्चित टाइम दिया होगा, इसमें बिल्कुल एक एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, जैसे 2 o'clock, ठीक है भाई। तो इसमें 2 o'clock ना देकर 2 घंटे से दे रखा होगा, 2 घंटे से, या 2 days दिया होगा, 3 months, whole days, 1/3 month, ठीक है, so long, by the time, इस टाइप का अगर कहीं दिया है ना, ये होता हमारा कौन सा, ये होते हैं हमारे टाइम एक्सप्रेशन। भाई एक बार इसको नोट कर लो, आप लोगों को अच्छे से पता भी चल जाएगा कि कौन सा टाइम एक्सप्रेशन है और कौन सा क्या है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, चले बड़े आगे, बहुत बढ़िया। अब इसकी कंडीशन क्या रहेगी, इसकी कंडीशन क्या रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख लो। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, ढांचा कैसे काम करेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है भाई। सकारात्मक वाक्य में कैसा होगा, एक तो आपको सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव तो इसलिए लगेंगे क्योंकि सेंटेंस जो हमारा परफेक्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पीपीसी लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस बीन होगा क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म के लिए चाहिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो हैज हो गया, बीन थर्ड फॉर्म के लिए चाहिए। उसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा भाई, आईएनजी लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस और फॉर टाइम। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, हम एक सेंटेंस लिख लें, जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 45 मिनट, अब आप लोगों को कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि हमने एक चीज देखी, इसका पता कैसे चला, एक तो आ गया हैव, सर जी ठीक है, हैज में से आ गया, प्लस क्या आ गया इसके साथ, बीन आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रही है भैया, आईएनजी आ रही है, उसके बाद यानी कहीं ना कहीं सिंस या फॉर में से कोई एक बात ली गई है, और उसके बाद क्या दिया, 14 मिनट्स मतलब टाइम दिया हुआ है, तो सेंटेंस किस में हो जाएगा भैया, हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में हो जाएगा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सतीश कुमार जी लिख रहे हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हटके पढ़ा रहा हूं आपको, जो निश्चित और अनिश्चित समय है ना, ये आपका
ये एकेडमिक लेवल पे बताया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपटीशन लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निश्चित में तो आती हैं, निश्चित में तो आती हैं, लेकिन क्या है उसमें हम फिर भी सिंस नहीं लगाते। जैसे होल डे, पूरा दिन, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं हमें पता है, उसके बावजूद भी हम सिंस नहीं लगाते। तो हमने कह दिया टाइम एक्सप्रेशन जहाँ होगा, टाइम एक्सप्रेशन जहाँ होगा वहाँ आपका क्या नहीं आएगा, वहाँ भैया आपका पॉइंट ऑफ टाइम की वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, चले बढ़े आगे। देखो भाई, देखो अब दूसरा होता है नेगेटिव वाला, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा जो मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ नहीं करना, अगर आपको सेंटेंस दिखे तो उसमें भी हैज और हैव ही लगा होगा, बस इन दोनों के बीच में ना नॉट आ गया होगा, नॉट और उसके बाद बीन लग रहा होगा बस, एंड देन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ही लग रही होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा, और बिल्कुल सेम वही कंडीशन चल रही होगी। जैसे मैं आप ही के लिए लिखवाऊँ सेंटेंस, सी हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। मतलब क्या है, सी हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट नाइट, तो इसमें हैज आ गया, हैज के साथ बीन भी आ गया, और बीन के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी लगी हुई है, तो सेंटेंस हमारा किसका होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तीसरे अगर मैं बात करूं, तीसरे में कुछ नहीं करना, केवल क्या होगा, हेल्पिंग और पहले आ जाएगी, यानी हैज और हैव आपको पहले दिए होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट हो सकता है, नहीं है तो नहीं होगा, उसके बाद सीधा बीन होगा, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होगी प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस चलेगी, और इसमें लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो क्वेश्चन मार्क अगर लगा है जैसे Have you been eating food? Have you been eating food in this party since? Since 40 minute, अब आप देखो 40, क्या तुम पिछले, क्या तुम 40 मिनट से इस पार्टी में खाना खा रहे हो? तो यहां से एक बात आपको समझ में आई कि जो 40 मिनट है ना, 40 मिनट कोई एक्यूरेट मतलब निश्चित जिसे कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पिछले मतलब 40 मिनट ये एक टाइम पीरियड है, एक अवधि है, तो अवधि है तो यहां क्या है, सिंस नहीं आएगा, यहां क्या आएगा भैया, फोर आ जाएगा, तो सिंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है भाई, तो ये थी कहानी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो मैंने आज आपको दो टेंस करा दिए हैं, थैंक यू सो मच आयुष यादव जी, मैंने आपको दो सेंटेंस करा दिए हैं कि एक तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल मैंने आपको कराए थे इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, तो यानी हम प्रेजेंट की पूरी कहानी को बयां कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल प्रेजेंट से रिलेटेड
प्रेजेंट से रिलेटेड या मैं कह सकता हूँ तीनों प्रकार के टेंस कराने के बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, इन पर एरर बेस्ड जहाँ से एरर पूछी जाती हैं उन एरर को लेकर काम करूंगा। अगली क्लास देखिए मैडम की होगी, कामिनी गौतम मैडम की, तो मैं ज़्यादा समय नहीं खींचना चाहूँगा, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग मुझे क्लास को समय से ख़त्म करना पड़ेगा। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन टिल नाउ। अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना देखा, मिलते हैं अगली क्लास में कल, देखना ना भूलें 12 बजे से और उसके बाद 3 बजे से, 3 से 4 और 12 से 1 दो क्लासेस मेरी आपके साथ कंटिन्यू रहती हैं इस नित्य क्लासेस पर, तो आप लोग हमारे से जुड़े रहिएगा अगर आप कंप्लीटली इंग्लिश का सिलेबस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।